मेरे प्रिय बच्चों, आपका मेरे चैनल गंगा जोशी जय हिंद ज्ञान मुद्रा में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चों, आपकी डिमांड है कि मैं अ से अह तक एक साथ आपको लेटर बनाना सिखाऊं। सबसे पहली रिक्वेस्ट पेरेंट्स से, प्लीज़ बच्चे को हैंडराइटिंग के बारे में डांटें नहीं, उसको मेरी ट्रिक्स सिखाएं तो आपकी समस्या 100% अपने आप सॉल्व हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी डिमांड है कि मैम हमको बड़ा बड़ा लिखना सिखाएं, ठीक है। सबसे पहले आप अ ऐसा बनाते हैं, ये बनाया आपने, ये बनाया, ठीक। ये अ बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। ये अ क्या है बच्चों, बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक। ये अ रॉन्ग, आई बात समझ में। अगर आप दे भी देते हैं तो पेरेंट्स क्या लिखाते हैं उसको, अ हो गया अ पूरा, नहीं। अगर आप बच्चे को पहले से ये ट्रिक्स सिखाएंगे, बेटा अ ऐसा नहीं होता है, अ होता है, देखो मैं अ के भी पार्ट्स सिखा रही हूँ, कहीं किसी स्कूल में आप पूरा गूगल छाने, पूरा यूट्यूब छाने, मैंने इसके बारे में एक एक वीडियो दिया है, लेकिन आपको उनको सर्च करने में दिक्कत हो रही है। फिर से आपकी डिमांड है कि मैं अ से अह तक आपको एक वीडियो प्रोवाइड करूं। आज का वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद होगा, 100% फ़ायदेमंद होगा। अ का पहला भाग छोटा, आई बच्चों समझ में। अ का दूसरा भाग बड़ा, ठीक। ये भाग जाएगा इसकी सीध में, ये जो बीच में ग्रोप पड़ता है बच्चों, इसकी सीधाई में जाएगा और पाया पड़ेगा ग्रोप से, नहीं साइड से, ठीक। और बिल्कुल ये जो पाया इसकी सीधाई में, छोटा एक भाग, छोटा दूसरा बड़ा, और ये जो पंक्ति पड़ेगी ओ के सिर में नहीं पड़ेगी। अब 1 2 3 करके बताती हूँ। अब मैं ओ बड़ा लिखती हूँ, ऐसे ही आप भी लिखिए ओ, ठीक। ये इतना बड़ा ओ लिखा मैंने, ठीक। ये ठीक, ये पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरी हमने क्या डाला, पाया डाला, चौथा हमने पाया डाला, ये पांचवा भाग। आ गई बच्चों समझ में, आ गई। फिर और बना करके सिखाती हूँ मैं, पहला छोटा, दूसरा बड़ा। अब स्पीड में, अब स्पीड चलेगी, ये आप मेरे साथ ऐसा ओ बनाएंगे, ओके। बिल्कुल कभी डांट नहीं पड़ेगी आपको, कभी नहीं पड़ेगी। ओ हो गया। अब मैं ओ यहाँ पर, ये सुंदर वाला ओ आपके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, ओके। ये ओ हो गया हमारा, ओके, बन गया ओ। अब ऐसे ही कुछ नहीं करना है, आ का मैं कुछ नहीं बताऊँगी। ओ और आ सेम होते हैं, ठीक। वो ही पहला भाग छोटा, दूसरा बड़ा बनाइए, ठीक। ये आ, ठीक। ये और डंडे बिल्कुल सीधे, ये जो पाए पड़ेंगे इसके बिल्कुल सीधे, बच्चे को पहले से आदत दिलाइए कि पाया बिल्कुल सीधा हो गया। अब मैं आपको ई बनाना सिखाती हूँ, ओके। अब ई बनाना सिखाती हूँ, तो ई बच्चे क्या करते हैं, ये ई बनाया, ये बन गई ई, रॉन्ग, ये ई नहीं होता है बेटा। ये जो है, सबसे पहले आप हल्का सा क्या करेंगे, पाया देंगे ई में, फिर इस पाए को यहाँ तक खींचेंगे, इधर तक खींचेंगे, फिर जितना यहाँ तक खींचा और दूसरा इसकी सिधाई में ले जाएंगे, ठीक। तीसरा मोड़ काटो, यहाँ पर लाओ और ई को काट दो, ठीक। ये पूरा ढको ई को, ई बन गया। फिर सिखाती हूँ, और कई बच्चे तो ये ई का भाग ये खुला रखते हैं, कहीं भी आप देखिए ई में ये भाग खुला नहीं होता है, इसको बंद रखने की आदत डालिए, अपने ई को आप बंद रखने की आदत डालिए। ये देखिए, पहले शुरू करते हैं, 1 2 इधर को खींचो, यहाँ जाओ, वापस आओ, काट दो, ठीक, पूरा ढको। ये छोटी ई बन गया, ये हमारी बड़ी ई, हर हमेशा मात्रा यहाँ से, और कई बच्चे ऐसे डालते हैं, ऐसे ये मात्रा ऐसे डालते हैं, नहीं, रॉन्ग, ठीक है। मात्रा हर हमेशा यहाँ डालेंगे और हल्की झुकी। अब मैंने पढ़ाया आपको अ आ ई पढ़ाया बच्चों, पढ़ाया ना। अब मैं इसी से शब्द बनाती हूँ, एक जो है शब्द बना करके दिखाती हूँ आपको। अब हमने लिखा आई, ठीक है। अब हम कैसा लिखेंगे, आ आ, वैसा ही बनाएंगे, बिल्कुल आ,
बिल्कुल सीधा दिया। आप कह रहे हैं बड़ा बड़ा लिख करके दिखाओ हमें, ये डंडे बिल्कुल बराबर, ई हमने लिखा ठीक, 1 2 3 आई, और ये मात्रा दे दी, पूरा ढको इसको, लगा सुंदर, सुंदर लगा ठीक है। फिर लिख करके दिखाती हूँ, अब इसको छोटा, ज़रा छोटा लिख लो ठीक है, ये 1 2 3 आ आ ई, आई एक शब्द होता है ना, जैसे ताई आई, मामी आई, नानी आई, ये हो गया, आया बच्चों समझ में, आई। अब ओ आ ई ई हो गया, फिर से मैं ओ आई लिखूंगी आपके लिए ठीक ठीक। अब आ ओ, आप मेरे साथ, अब इससे ज़्यादा बेटा आप प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा ठीक। ओ जैसे मैंने सिखाया, आ पहला भाग छोटा, दूसरा बड़ा, दूसरा इसकी सीधाई तक जाएगा, आ ठीक, बिल्कुल डंडे सीधे, ई मोड़ो, मोड़ काटो, यहाँ तक आएगा, इसकी सीधाई तक मोड़ ठीक है, ई पूरा ढको, ई बड़ी, ई बड़ी, ई यहाँ से मात्रा दो, हल्की मात्रा झुकाओ, हल्की मात्रा की पीठ हल्की झुकाओ, यहाँ तक मैंने बताया। अब मैं ऊ लिखना सिखाऊँ, ऊ कुछ भी नहीं है बेटा, और मैं आपको इसके बाद जो है कटिंग भी सिखाऊंगी ओके। ये पहला भाग छोटा, दूसरा बड़ा, ये आधा ओ बना करके छोड़ दिया, लेकिन पूरा ढकिए इसको, ये ऊ बन गया। और बच्चे कैसा करते हैं, ये ऊ बन गया, नहीं इसको हल्का सा यहाँ की तरफ लाओ और ऊपर को मुड़ाओ, ये पहला भाग छोटा, दूसरा बड़ा, और इसको ऊपर की तरफ यूं गोलाई में लाइए, यूं गोलाई में ठीक है, तब ये बनेगा, आई बात समझ में, ये ऊ बिल्कुल सही है। अब छोटा वाला ऊ लिख करके दिखाऊं मैं आपको, ये 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 ठीक। अब पूरा बड़ा वाला ऊ, बड़ा वाला ऊ में सिर्फ, और आप लोग क्या करते हैं, हाँ, मैंने देखा है कि 90% बच्चा ये करता है कि ऊ लिखा ये बना दिया बड़ा ऊ, नहीं ऊ को वैसे ही ओ के जैसे पहला भाग छोटा, दूसरा बड़ा, गोलाई में लाओ, यहाँ तक ले जाओ, और उस इसकी मात्रा भी, ऊ की मात्रा भी ये ग्रोप से कभी नहीं पढ़ेगी ठीक है, ये साइड से पढ़ेगी ऊ की मात्रा ठीक। आ गई बच्चों बात समझ में, ओ आ ई ई ऊ ऊ, आज मैं अंग अंग अह तक आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। अब मैं आपको री बनाना सिखाती हूँ, और आप कैसा री बनाते हैं पता है, मैं उसका कंपैरिजन करती हूँ, ये बन गया आपका री, 99% बच्चे ठीक। जब मैंने देखा कि बच्चे री ऐसे, नो बिल्कुल रॉन्ग ठीक। री बेटा सबसे पहले आधा तो जाते हैं, तो इसको छोटा सा नीचे की तरफ मोड़ो, इसको छोटा सा नीचे की तरफ, फिर इसको यहाँ तक लाओ ठीक, ये कर दिया, ये कर दिया, ये बन गया री, और पूरा ढको। फिर सुंदर बनाती हूँ ठीक, ये 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 ठीक, और पूरा ढको, ये हो गया ओ आ ई ई ऊ ऊ री हो गया, ये वाला री बनाइए ओके, ये वाला री मत बनाइएगा ठीक। अब आ गया हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग ए, और मेनली मैं उन पेरेंट्स से बहुत रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर बच्चे का एडमिशन आप करा रहे हैं तो ये इस ट्रिक्स से उसको हिंदी हैंडराइटिंग सिखाइए। आपके बच्चे की हैंडराइटिंग मैं 101% श्योर करती हूँ पूरे स्कूल में अच्छी हो जाएगी ओके। अब ए आधा गो, मैंने बताया है पहले भी आपको, ये ठीक है, और आधा गौ, गौ के पीछे से लाएंगे, गौ के पीछे से नीचे को लाएंगे ठीक है, और इसके बीच में स्पेस रखेंगे ठीक, ये और इस ग्रोप से, ये जो ग्रोप है इसके अंदर से कभी भी मात्रा नहीं पड़ेगी ठीक है, और पूरा ढकिएगा। और आप कैसा ए बनाते हैं पता है, ये जो गलत है ठीक है, आपको ऐसे बनाना है। अब आई, आई इसी में मात्रा डाल देंगे ठीक, ये बैक से और मात्रा हल्की झुकी हुई ठीक, ये आई हो गया। अब ओ औ अंक अहो, वही
ओ ऐसे बन जाएगा, औ ऐसे बन जाए, अंक अहो। अब मैं एक साथ उसको इसको लिख करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है बच्चों, एक साथ लिख करके दिखाती हूँ। अब बच्चों मैं आपको सिखाती हूँ अ से अह तक लिख करके, ठीक है। वैसे ही आपको ट्रिक्स अपनानी है अ से अह तक लिखने के लिए, ओके। अब मैं जैसे अ लिखती हूँ, बिल्कुल वही चीज़, और मैं शब्द भी लिख करके दिखाऊंगी। अ आपको भी ऐसे लिखना है, अ आ, ठीक, बिल्कुल गोलाई में ऊपर की तरफ ले जानी है, बहुत सुंदर लगते हैं लेटर आ, ठीक। इ और इसको जितना खींचेंगे उतना ई अच्छी बनेगी, ई ई, ठीक, ये मात्रा दी। उह ओई है, आधा ओ छोड़ दिया, उह ऊ। बिल्कुल बच्चों को हैंडराइटिंग के बारे में डांटिएगा मत, ओके। उ ऊ री री, ठीक, री ए, री को फिर से बना देती हूँ, री, ठीक, ए, ओके। इन दो ए में इन दोनों के बीच स्पेस जरूर रखिएगा। आई पीछे से आई, ओ ऐसे बिल्कुल, ओ ट्रिक्स बता रखी है मैंने, बिल्कुल सीधा लाइए ओ। और हाँ, ये मात्रा अगर पड़ेगी तो ये पीछे वाले पाए में पड़ती है, ध्यान दीजिएगा। ओ आउ, मात्रा पीछे वाले पाए में, आउ ये आउ की मात्रा, दोनों मात्राएं पीछे वाले पाए में पड़ेंगी, ये आउ। अंक इसको जितना गोलाई में ले जाएंगे आप उतना सुंदर औ बनेगा, ठीक है। अंक आह आह, और अंक की मात्रा सीधे इसके ऊपर आह, ठीक बच्चों, और पंक्ति कभी सिर में नहीं पड़ती है, ध्यान दीजिएगा, ओके। अब मैं आपको शब्द लिख करके दिखाती हूँ जो अ से अह तक हमारे बनते हैं, ओके। जितने भी शब्द बनते हैं मैं बना करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे लिखते हैं। अब मैं आपको अ से अह तक जितने भी शब्द बनते हैं उतना शब्द लिख करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब मैं लिखती हूँ आओ, जो आ और ओ से बन करके मिल करके बन रहा है। मैं कहीं भी बाहर नहीं जाऊँगी मेरे प्रिय बच्चों, ठीक है। जैसे अब मैंने क्या लिखा, आओ आ बना दिया, ठीक, आ ओ आओ, ठीक, मात्रा पीछे वाले पाए में और मात्रा पंक्ति सिरों में नहीं, आओ, ठीक। आई बच्चों बात समझ में? अब आप पूछते हो कि मैं कौन सी पेन यूज करें, कौन सी पेन नहीं करें, आप कौन सी पेन से लिखती हैं। ये 5 रुपये वाली पेन है बेटा, ठीक है, ये 5 रुपीज़ वाली पेन है। मैं आपको 1 रुपीज़ वाली पेन से भी लिख करके दिखा दूँगी, जो यूज एंड थ्रो, और 1 रुपीज़ वाली पेन भी आओ ऐसे ही लिखेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको वो तरीके आने चाहिए जिससे हमारी हैंडराइटिंग अच्छी बनती है। पेन का उतना रोल नहीं होता है, लेकिन 2% 3% रोल। पेन को रुकने वाली नहीं होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, आपकी पेन की इंक जो है डार्क होनी चाहिए, लाइट नहीं होनी चाहिए, ये रोल तो होता है, लेकिन हैंडराइटिंग अच्छे करने के लिए आपको ये तरीके सीखने ही पड़ेंगे। और मेरे बच्चों बिल्कुल इंटरेस्टिंग तरीके से आप हैंडराइटिंग बनाओगे, ये मेरा विश्वास है। अब मैं आओ होता है, अब आए, ठीक, आओ। मैं नेक्स्ट शब्द, दूसरा शब्द लिखती हूँ आए, ठीक, आए आ ये आए, ठीक,
आपकी पसंद आई, अब मैं लिखती हूँ आओ आई, मैंने आई पहले भी लिख करके दिखाया ना, अब मैं आई लिख करके दिखाती हूँ आपको, ठीक। ये आ आई, जैसे नानी आई, आई, ठीक। आपको ऐसी हैंडराइटिंग बनानी है, ठीक। और ये जो है कठिन नहीं है, ये तो बहुत सरल है। आपको आओ ऐसे लिखने से, तो जब ऐसा लिखते हो आप आओ, या आए ऐसा लिखते हो, जैसे आए ऐसा लिखते हो, तो इससे तो बहुत सरल है ये, ठीक। बस हैंडराइटिंग में आप सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान दें, ठीक। मैं बता देती हूँ, आप मात्रा कहाँ कहाँ पढ़ ली है, उसकी सिर में पढ़ ली है या नहीं पढ़ ली है, अक्षरों को सीधा मात्रा का ध्यान, ठीक। आप देंगे मात्रा का ध्यान। दूसरा अक्षर, जैसे आप अक्षर कैसे लिखें, ठीक, अक्षर इसका ध्यान, ठीक, आई बात समझ में। तीसरा और अक्षरों के साथ पाया, इस वाले पाये को आप टेढ़ा मत कीजिए, ऐसा नहीं, सीधा। हिंदी हैंडराइटिंग में सीधा पाया पड़ता है, इंग्लिश हैंडराइटिंग भी आपको मैंने समझाई है, फिर भी आपकी रिक्वेस्ट है, मैं एक वीडियो फिर प्रोवाइड करने के लिए आपके लिए तैयार हूँ। और तीसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण है बेटा, कि इनके बीच का स्थान, ठीक है, आप न ज़्यादा दें न कम दें, और अक्षरों को सीधा लिखें, ठीक है बच्चों, अक्षरों को सीधा, बिल्कुल सीधा लिखें अक्षरों को। मात्रा, मात्रा हो गई, अक्षरों के पाये हो गए, और उनको सीधा लिखना है, ठीक। और जब अभी ई की मात्रा पड़ेगी, अब मैं नेक्स्ट वाला लाऊंगी आपसे, क से ज्ञों तक, और उसमें एक ही वीडियो में प्रोवाइड करूंगी कि क से ज्ञों तक हम कैसे लिखते हैं। और हैंडराइटिंग किसी से नहीं बनती है, इन्हीं से तो, ओ से तो बनती है, ए से बनती है, ई से बनती है। अगर आपने ओ सही लिखा, ए सही लिखा, ई सही लिखा, तो आपकी हैंडराइटिंग परफेक्ट, अच्छी। तो आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी अच्छी लेटर में लिखिए, और लिख करके मुझे भेजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, और खूब आगे बढ़िए नए सेशन में, अच्छे हैंडराइटिंग में आप लिखिए, आप जो हैं खूब आगे बढ़ें। जय हिंद, जय भारत।